हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिया होम्योपैथी। आज हम पढ़ेंगे नाजा। ये हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में नाजा से क्या क्या पूछा जाता है जो आप BHMS थर्ड ईयर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स देते हैं। ओके गाइस, तो नाजा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो कि आपको याद रखनी है। ये आपकी सर्जरी के थेरापेटिक्स में भी बहुत काम आएगी। ओके, वी ऑल नो कि हमें थेरापेटिक्स लिखनी होती है जो हमारे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, तो नाजा उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। ओके गाइस, सो इसका कॉमन नेम है कोबरा वायरस। ओके, मैं आपको बता दूँ, नाजा जो है हमारे स्नेक ग्रुप की मेडिसिन है। स्टार्टिंग विद मेंटल जर्नल्स, सुसाइडल इंसैनिटी, यानी कि इसको सुसाइड करने का मन करता है नाजा को। ब्रूड कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजनरी ट्रबल्स, ओवर इमेजनरी ट्रबल करता रहेगा कि हाँ सोचता रहेगा मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। सुसाइडल टेंडेंसी होगी। मूविंग टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसका सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट होगी। सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिसमें हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट देखी जाती है। हार्ट की नाजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। फॉर रिस्टोरिंग अ हार्ट डैमेज बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन और फ्रॉम रिलीफ ऑफ सफरिंग ऑफ क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी एंड वेस्कुलर लीजन, कुछ भी वेस्कुलर लीजन हुआ या क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी बहुत टाइम से चली जा रही है, अगर हमें उसका रिस्टोर करना है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी इसे दे सकते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी, हाइपरट्रॉफी में भी इसे हम दे सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है इरीटेटिंग ड्राई सिंपैथेटिक कफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए। इरीटेटिंग ड्राई और सिंपैथेटिक कफ, इरीटेटिंग ड्राई और सिंपैथेटिक कफ, इसको होता है एक्यूट स्टेज ऑफ रिमेटिक कार्डाइटिस में। रिमेटिक कार्डाइटिस में इसे होता है इरीटेटिंग ड्राई सिंपैथेटिक कफ। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट लिख देंगे वो लोग रिमेटिक कार्डाइटिस नाजा, तो उसमें आपको लिखना होगा इरीटेटिंग ड्राई सिंपैथेटिक कफ इन द एक्यूट स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। क्रॉनिक ऑर्गेनिक लीजन, ओके, जो भी क्रॉनिक ऑर्गेनिक लीजन होगा उसमें भी। ट्रीटेड पैरालिसिस ऑफ हार्ट, और जो भी पैरालिसिस ऑफ हार्ट अगर हो जाता है तो उसके लिए भी नाजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। पोस्ट डिप्थेरिक टिक में अगर पैरालिसिस ऑफ हार्ट होता है, पल्स इरेगुलर इन फोर्स है बट रेगुलर रिदम है, यानी कि पल्स रिदम तो रेगुलर चल रही है लेकिन जो उसका फोर्स है ना जिससे ब्लड पम्प हो रहा है वो रेगुलर नहीं है, ये ECG से हमें पता चल जाता है। इनेबिलिटी टू स्पीक विद चोकिंग, इनेबिलिटी टू स्पीक विद चोकिंग, नर्वस क्रॉनिक पैल्पिटेशन स्पेशली आफ्टर पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि जो नाजा का पेशेंट है उसमें क्या होता है कि वो उसको अच्छे से बोल नहीं पाता, उसको चोकिंग होती है, नर्वसनेस होती है और है ना पैल्पिटेशन हो जाती है। अगर वो पब्लिक में लोगों के सामने जब वो बोलने जाता है ना तब उसे चोकिंग, नर्वसनेस और क्रॉनिक पैल्पिटेशन अगर होती है, ऐसे पेशेंट को हम नाजा दे सकते हैं। इसमें एग्रीवेशन होता है बाय कैरिएज राइडिंग और लाइंग ऑन साइड, ठीक है, कैरिएज राइडिंग यानी कि कुछ भी कार या बस या कुछ में भी राइड करना, और लाइंग ऑन साइड अगर वो करवट लेगी लाइंग कर ऑन साइड से होगा तो भी उसको दिक्कत होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीवियर स्टिचिंग पेन इन रीजन ऑफ हार्ट, नाजा का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और आपके फ्यूचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीवियर स्टिचिंग पेन इन रीजन ऑफ हार्ट, पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा कि उसके दिल में दर्द हो रहा है और स्टिचिंग पेन हो रहा है, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन आप नाजा दे सकते हैं। ओके गाइज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेन पॉइंट जो इरीटेटिंग ड्राई स्पाजमेटिक कफ वाला है, एक पैरालिसिस ऑफ हार्ट वाला है और ये स्टिचिंग पेन इन रीजन ऑफ हार्ट वाला है, चोकिंग नर्वसनेस ये भी है और हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो जाती है। और सर्जरी का जो हमारा एग्जाम होता है उसमें हमें थेरापेटिक्स लिखनी होती है और जो भी हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर पूछा जाता है, और जैसे कि अगर रूमेटिक कार्डाइटिस पूछा जाएगा तो नाजा कैन बी रिटन ओवर देयर इन एग्जाम एंड विद इट्स key points, so it will give you marks and also मैं mnemonics भी upload करूँगी अपने इस channel पर, handwritten notes भी for various subjects, so I hope you subscribe to my channel, also mnemonics की आपको notification आ जाए वो बहुत help करेंगे आपको बड़ी बड़ी medicine याद करने के लिए, तो आप ज़रूर subscribe कीजिए मेरे channel को। thank you so much।